और ये देखो भाई इनमें इनमें घुस जाऊं, कितने प्यारे लग रहे हैं, देखो कितने प्यारे लग रहे हैं ना फूल ये। कल जैसे मैंने आपको बताया था कि कल का प्लान, लाइक लास्ट ब्लॉग में बताया था कि आज का ब्लॉग है सिर्फ स्क्रिप्टेड स्क्रिप्टेड, इन द सेंस मेरे को पता है भी ब्लॉग में क्या आएगा कि पार्टी करने जा रहा हूँ, बट वो भी फेल हो गया भाई, क्योंकि दोस्त को कॉल की, दो कॉल्स की, दोनों नहीं उठाई भाई उसने, और एकदम से जब मैसेज किया व्हाट्सएप पे वो एकदम से सीन कर लिया उसने, तो मेरे को बहाना लगा दिया भाई मैं बिजी हूँ, काम कर रहा हूँ, और संडे को बिल्कुल फ्री होता, कोई भैंस नहीं उसके घर पर, कोई खेत नहीं उनके जहाँ काम करे, बेला बंदा है एकदम से, फिर भी बहाना लगा दिया। सो चलो कोई नहीं, अभी निकलते हैं नदी में, क्योंकि हमारे उस घर में दूसरे घर में चलेगा कंस्ट्रक्शन का काम, सो उसके लिए रेता लेने जा रहे हैं भाई हम। सो चलो निकलते हैं भाई। सो लो गाइस, अभी मैं फिलहाल अपने दूसरे घर में आया हूँ, आपको दिखाता हूँ हमारी बहन से भाई, एक ये है, दो और इधर गाय हैं भाई, भाई जब गोबर दिख रहा होगा उसको इग्नोर करना क्योंकि होता ही है, इन्होंने गोबर ही करना है। तो फिलहाल ये देखो भाई क्या कांड हुआ, ये गेट टूट चुका है हमारा, इसी की वजह से भाई ये गेट लगवाएंगे, इसीलिए मेरे तब बजरी काफ़ी मटीरियल चाहिए, बिस्तरी में भी आ जाएगा या कल आएगा पता नहीं कब आएगा उसके पहले, बट सामान तो चाहिए ही ना। सो बजरी भी जाएंगे बुक करने, वो भी लेके आनी है, और रेता भी चाहिए, काफ़ी कुछ चाहिए। अभी मेरा बाइक क्या हुआ है, बाइक बाइक लिए हमने कल, एक वो उठाऊँगा आपको जिसके पीछे रेडी फिट होती है भाई, बाइक के साथ वो वाली, उस पर आराम से आ जाएगा हर जो भी सामान चाहिए वो सारा पूरा हो जाएगा उस पर। लो गाइस अभी मैं वेट कर रहा हूँ भाई इसके, मैं भी आ गया इस साइड से, वो आ गया चला गया। सो चलो निकलते हैं अभी गाइस, ये रेडी ले गया हमने, देखो भाई ये इसके साथ बाइक अटैच्ड है आगे। लो गाइस अपनी नदी में पहुँच चुके हैं भाई, पीछे ट्रैक्टर आ रहा है उसकी वजह से यहाँ पे रुके हुए हैं भाई, इस पर भाई इतना ज़्यादा बम्प हो रहा है ना, मेरी तो बैक में पेन होने लग पड़ी, ये रहा ट्रैक्टर भाई कैसे हिल रही है, कैसे हिल रही है ये, मेरे को तो नहीं लग रहा, अगर इनको इसको हमने रेते से भर दिया तो निकल भी जाएगी है, देखो आगे कितने बड़े बड़े खड्डे हैं भाई। सो लो गाइस वो चले गए हैं घर भाई, तो अभी मैं जा रहा हूँ, अपनी साइकिल भी ले आया था मेरा बड़ा भाई, गन्ने का खेत दिखा मेरे को आगे गन्ना लेने, इतने में भाई गन्ना खाऊंगा, कल भी रात भी मन कर रहा था खाने का भाई, रात में तोड़ने लगा था जब शीरो को घुमाने गया, बट अंधेरा बहुत था और वहाँ पे बड़े कुत्ते थे, इसीलिए मैं शीरो के लिए नहीं गया तोड़ने। अभी दिख रहा आपको सामने है, देखो रुको पास जाके दिखाता हूँ, बट यहाँ पे रास्ता बड़ा गंदा है भाई, ये देखो साइकिल कैसे रेत में अंदर दस रही है बार बार, आज तो मेरा यहीं पे हो जाएगी जिम मेरे को लगता है, आज तो हैवी लेग्स हैं, 15-20 मिनट का काम है, ये करके चलते हैं घर। और साथ में पा रहे देखो भाई फूल कितने, सरसों के फूल है भाई ये, इनसे सरसों का ऑयल निकलता है, जो सरसों का तेल होता है ना इनसे निकलता है वो, जब ये सूख जाते हैं तो इनमें बीज आते हैं, वो चक्की पे जाके पीसते हैं, उसके बाद उससे सरसों का तेल निकलता है भाई। गन्ने का खेत तो वो चला गया उधर भाई, कहाँ से रास्ता, ये रहा देखो सामने, यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा, चलो चलते हैं, यहाँ मैं पहले भी आया था भाई, वीडियो बनाई है यहाँ की मैंने, वहाँ पर आया था, चलो लेट्स गो। रागने का खेत सामने, और ये देखो इन्होंने ना बैल जैसे जंगली जानवर होते हैं उनके लिए तार कंडा लगाई हुई है, क्योंकि यहाँ पे खेतों में नुकसान करेंगे ना वो, इसीलिए फायदा है गाइस आज ना मौसम बहुत प्यारा है भाई, लाइक बादल ही बादल है, देखो धूप नहीं है अभी, तो इसीलिए आज मन भी कर रहा है भाई ऐसी जगह पर घूमने का, कितनी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं भाई, ठंडी ठंडी हवा चलती है, बादल, अगर धूप होती बड़ी गर्मी होती भाई नदी में, जब गर्मी होती तो नदी में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, जब ठंड होती है तो सबसे ज़्यादा ठंड होती है, क्योंकि यहाँ पे रेती रहती है ना, रेगिस्तान बनना पड़ा है ये तो एक तरह का, जैसे ठंड में बहुत ज़्यादा ठंड, गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी भाई। तो आज मौसम देखो भाई कितना प्यारा है यहाँ पे भाई, देखो मैं कनक में से जा रहा हूँ भाई, ये कनक है, ये रहा सामने गन्ने का खेत, कहाँ से तोड़ूँ, ये वाला अच्छा लग रहा है मेरे को, ये वाला वैसे बड़ी मुश्किल से टूटा भाई गन्ना, इतना सा टूटा वो भी नीचे से, तो उकड़ ही नहीं रहा था, सो मैंने बीच से ही तोड़ दिया इसको, अब फिर कनक में जाना पड़ेगा मेरे को, देखो कनक में घुसा हूँ भाई, बड़ा मीठा है, ऐसे मत बोलना गन्ना मीठा ही होता है भाई, इनमें भी एवरेज होता है, कोई मीठा होता है, कोई ज़्यादा मीठा होता है, कोई बहुत ज़्यादा मीठा होता है, ये है बीच वाला बहुत ज़्यादा मीठा, नहीं नहीं ये थोड़ा सा मीठा है,
बहुत ज़्यादा से कम है। ये रही अपनी साइकिल, आज कितने टाइम बाद चलाई थी भाई मैंने। सो गाइस अभी पैदल ही जाऊंगा भाई, साथ में गन्ना खाता खाता, और इतने में मेरे भाई भी आ जाएंगे दोबारा, फिर रेता लेके वो चले जाएंगे। और ये देखो भाई इनमें घुस जाऊँ, कितने प्यारे लग रहे हैं, देखो कितने प्यारे लग रहे हैं ना फूल ये। रुको फोटोज लेता हूँ एक दो अपनी, साइकिल पे रखना पड़ेगा फोन टिका के कहीं पे। रुको भाई ये देखो गाइस, ओ माय गॉड भाई इनमें मधुमक्खियाँ भी होती हैं। ये देखो दिख रही हैं कितनी ज़्यादा भाई। बाहर ही चलो बाहर, खतरा जितने प्यारे लग रहे हैं उतना खतरा भी है। जो चीज़ जितनी प्यारी होती है उससे दूर ही रहना पड़ता है भाई, हर साइड को लगा लो ये बात आप, जो जितनी सुंदर है उससे दूर रहोगे तो अच्छा है भाई। ये देखो क्योंकि उसके जाने वाले ज़्यादा ही होते हैं, और ज़्यादा में कुछ टॉक्सिक भी होते हैं भाई, जैसे मधुमक्खियाँ। कसम से जब बचपन में यहाँ पे आते थे नदी में, तो अब तो है नहीं इतनी नदी, क्योंकि पीछे देखो पूरी भाई सोसाइटी हो चुकी है डेवलप यहाँ पे। बट ये पेड़ थे छोटे छोटे, इन पे बेर लगते थे भाई, छोटे छोटे से बेर, उनको बेरी बोलते थे हम। पता नहीं बाकी क्या है उनका, आज तक नहीं पता चला, हम तो बेरी बोलते थे। बड़े मीठे होते थे भाई खाने में, बड़े अच्छे लगते थे। गाइस आपको मैं एक और बात बताऊँ भाई, वो सामने खड़ा जो इंसान है ना, वो मेरा चाचा है भाई, चाचू है मेरे, और उनको अभी तक नहीं पता कि मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, इसलिए उनसे छुप छुप के यहाँ पे बैठ गया आराम से आके, अभी भी वीडियो छुप छुप के बना रहा हूँ, उधर देख रहे हैं वो। मैंने भाई 250 प्लस वीडियोस बना लिए घर पे रह के भी, घर पे रहता हूँ, देख रहे थे इधर। सो उनको 250 प्लस में अभी तक पता नहीं चला कि मैं ब्लॉगिंग करता हूँ भाई, पता चल नहीं मिलेंगे वरना गालियाँ मिलेंगी। सो गाइस आपको एक चीज़ दिखाता हूँ भाई, यहाँ पे ना मैं आज से एक हफ्ता, मे बी एक हफ्ता, दो हफ्ते होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, वीडियो देखना मेरे चैनल पे जाके, क्रिकेट खेलने आया था मैं और मेरा छोटा सा भाई है जो परम, उसके साथ। तो यहाँ पे बहुत पानी था, अभी गर्मी की भाई, गर्मी के हालात देखो ऐसे चेंज होता है भाई सब कुछ। ये देखो कुछ भी नहीं बचा यहाँ पे, और वो वीडियो में भाई यहाँ तक जहाँ तक ये वाइट वाइट हुआ पड़ा है ना, जहाँ तक ये वाइट वाइट वहाँ तक पानी था भाई, अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है भाई, खाली हो चुका है ये सब भाई, खाली, ये लो बिल्कुल खाली भाई, खलास। और जैसे ही 4-5 दिन धूप पड़ी तो आगे थोड़ा सा पानी बचा, ये भी खाली हो जाएगा, इससे और कुछ तो सीन है नहीं। बट यहाँ पे जंगली जानवर आते थे पानी पीने, ये देखो पैर के निशान देख रहे हो, ये देखो भाई पैरों के निशान है उनके, ये देखो इसमें भी है भाई, उनके लिए तो अच्छा था भाई जंगली जानवर यहाँ पे पानी पीने आते थे जो। सो फिलहाल ये पानी बचा है पीछे, और वो सामने भी सूख चुका है, इधर भी सूख चुका है भाई, खलास हो चुका है एक आधा गन्ना। और आपको गन्ने का सीन बताता हूँ भाई, मैं गन्ना लेने गया था उधर से काफ़ी दूर से, और ये सामने मेरे गन्ने का खेत है भाई, देख रहा है, मैंने इधर ध्यान ही दिया और मैं साइकिल उठाया और उधर को निकल गया काफ़ी पीछे को। सो यहाँ से भी ले लेते हैं, अभी वो फिर चले गए हैं, अभी पत्थर बहुत अच्छे अच्छे हैं वाइट वाइट कलर के। एक दिन मेरा भाई ले गया था छोटा सा परम भाई, वो इतना वाइट चमकता है ना, वो रात को भी चमकता है भाई। जैसे मैंने बताया था आपको कि गन्ना भी एवरेज के हिसाब से मीठा होता है, तो इसका टेस्ट बड़ा गंदा तो नहीं बोल सकते, लाइक मीठा खट्टा मीठा कौड़ा ऐसा है। और ये कौन सा फूल है भाई, ये कौन सा कलर है, ये देखो ब्लू कलर के फूल कितने हैं यहाँ पे, देखो आगे भी है। गए साल से 3-4-5 साल का भी ऐसा टाइम आएगा, पीछे सारी नदी थी, अभी बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स है, और ये सारा भी यहाँ पे जो भी आपको व्यू दिख रहा है ना इतना प्यारा, यहाँ पे इतनी सारी बिल्डिंग्स हो जाएंगी भाई, कुछ भी नहीं नजर आएगा। और ये रास्ता नदी का है, और वो बोलते होते हैं ना कि भाई पानी अपना रास्ता खुद ही ढूंढ लेता है, और जिस दिन बाढ़ आई है नदी भाई इनमें तो पक्का आएगा पानी, क्योंकि यहाँ पे नदी आती रही है। मेरे दादा बता रहे थे भाई हमारे गांव की उस टंकी दिख रही है उसके थोड़ी सी इधर काफ़ी नदी आती थी, बट हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, यहाँ पे जरूर पानी आएगा ही आएगा कभी ना कभी। Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just पहुंच चुके हैं, और रेता हमने पता कहाँ पे उतारा है सारा, ये देखो भाई कितना चार चक्कर का, ये चार चक्कर लगाया अभी हमने इस पे। और चलो ये अपनी गाड़ी खड़ी है मॉडिफाइड जेन,
ये बाइक की हालत देख रहे हो भाई, ये नहीं ली है, इसकी हालत देखो पहले, देख रहे हो क्या हाल किया पड़ा इसका। ये जो इंसान जा रहा है ना मेरे आगे, हर एक काम को बोल देता है, या हम कर लेंगे हम कर लेंगे, इससे होता कुछ नहीं है। खा खा के पेट बढ़ाया बड़ा इसने, देखो इसका पेट। तो भाई सबसे पहले तो नहाया हूँ भाई मैं, अभी मज़ा आ रहा है थोड़ा, वरना रेत चली गई थी भाई पूरी बॉडी में, सर में। इसको खाना डाल दे, अभी मैं खाता हूँ खाना, मम्मी बोल रही है खाना अंदर भी रख दिया। या हियर इज इट, ओ माय गॉड, शक्कर बूंदी और चपाती, चलो भाई खाते हैं। हाँ भाई इसके बाद रेस्ट करूँगा भाई आराम से, क्योंकि आज लेग्स करनी है जिम में, लेग्स के लिए रेस्ट चाहिए थोड़ी, क्योंकि मसल बहुत बड़ा है लेग्स का भाई। सो चलो लेग्स को गाइस, अभी रेडी हो चुके हैं, अभी निकलते हैं सीधा अपनी जिम को, और एक दो काम है रस्ते में, वो आपको दिख ही जाएगा क्या है। काम तो कुछ नहीं, जस्ट खेतों में जाना है, मेरा भाई वेट कर रहा है, वहाँ से उधर ही निकल जाओ जिम को, इसीलिए मैं रेडी हो चुका हूँ, क्योंकि जिम मैंने उसी साइड जाना है। सो लो गाइस, पहुँच चुके हैं खेतों में, और ये काम है देखो भाई सामने, ये घास घर लेके जाएगा ये। सो मैंने इसको उठवानी है जस्ट, और कुछ भी नहीं भाई, और ये पीछे रोड से सीधा जिम जाना है मैंने, तो इसलिए बाइक उठा के यहाँ पे आ गया, फिर घर जाऊँगा, फिर घर से इधर आऊँगा। सो सेव रास्ता, अपना सेव करो, टाइम सेव करो, सॉरी रास्ता नहीं, और बारिश भी आने वाली है इसीलिए जल्दी जल्दी निकल जाए। लेग्स जैसा वर्कआउट है लेग्स के हिसाब से भाई, एनर्जी तो नहीं दिख रही मेरे में, क्योंकि अभी सो के उठाऊँ, थोड़ा वार्म अप होऊंगा तो बॉडी होगी वार्म अच्छे से। सो चलिए शुरू करते हैं गाइस, जिम कंप्लीट। आज गैस लगाओ किसी ने थी भाई, बहुत चीज़ हुई आज, जैसे हालात थे लग नहीं रहा था, बट फिर भी अच्छी हुई। चलो गाइस निकलते हैं भाई बाहर, भाई कैसा अच्छा मौसम हुआ पड़ा है, जब आया था लग रहा था बारिश हो जाएगी एक दो मिनट में, बट बहुत अच्छे बात है भाई, ऊपर देखो ऐसे में कैमरा हो ना DSLR, फोटो बड़ी अच्छी आई भाई, ये तो आवाज़ ही बड़ी आती है, घर जाके सुनता हूँ जब एडिट करता हूँ, यहाँ पे देखो भाई इतनी गंदी गंदी आवाज़ आती है ना। अभी तो मैं सॉरी गल नहीं कर रही थी मुँह से भाई, खाने की भूख लगी है बहुत ज़्यादा, ज़बरदस्त अभी खाना नहीं बना क्योंकि आज गेस्ट आए हैं, मम्मी उधर बिजी हैं, सो देखते हैं क्या बनाए हैं। मे भी आज गाजर की सब्जी बनी होगी, सो भूख बहुत लगी है, सो क्या खाऊं, कुछ होते नहीं है, फ्रूट्स थे घर पे वो किसी ने खाया ही नहीं भाई, बनाना था एंड संतरे वगैरह थे, वो पड़े पड़े ही ख़राब हो गए, जब मन करता है तब होते नहीं है, जब पड़े होते हैं तो मन नहीं करता, ये बात तो ही बढ़िया जी भाई। भूख मिटने वाली है अपनी, गाजर की सब्जी मैंने बोला था आपको, और ये तो दही एक चम्मच ही ऐसे छना ही देते हैं। सो चलो गाइस खाना खाते हैं और ब्लॉग करते हैं, ख़त्म, मिलेंगे कल फिनिक्स ब्लॉग के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए, खुश रहो, आबाद रहो, आजाद रहो, बाय।